हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होइएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर गायचन में आपका स्वागत है। वेलकम टू डॉक्टर गायचन। तो दोस्तों, आज का विषय हम लेके आए वीडियो में कोरोना वायरस के लक्षण। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण ही नहीं बताऊंगा, जैसे इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ और कब हुआ और इसका लक्षण क्या है और किस किस बीमारी में और कैसे इसको पहचाना जा सकता है और इसका नॉर्मल में अगर अटैक किया तो उसको तुरंत क्विक में उसको कैसे कर सकते हैं, उसको पे निगरानी। तो आप लोग बैठे वीडियो को स्किप नहीं कीजिए और चलते हैं वीडियो को आया करते हैं। तो दोस्तों, ये डॉक्टर गाय चैनल है, डॉक्टर गाय चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू डॉक्टर गाय चैनल। तो दोस्तों, चलते हैं, पहले इसका लक्षण देख जान लेते हैं, उसके बाद बीमारी कैसे अटैक करता है और अटैक करने के बाद उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस के लक्षण है। पर 1 से 3 दिन जो है ये बुखार और गले में दर्द होगा थोड़ा, और 4थे दिन से जो बुखार, सिर में दर्द, दस्त यानी कि डिहाइड्रेशन और गले में दर्द, आवाज़ में भारीपन, ये 4थे दिन तक। और 5वें दिन तक जो है थकान, मांसपेशियों में दर्द, और 6ठे दिन से जो है हल्का बुखार, गीली या सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और दस्त, और 7वां दिन से है तेज बुखार, बलगम के साथ खांसी आना, शरीर में दर्द, उल्टी, दस्त। उसके बाद 8वां से 9वां दिन में जो है लक्षण और बेहतर बुखार से अस्त व्यस्त, बहुत ही ज़्यादा खांसी के साथ बहुत ही परेशानी होती है। तो चलते हैं और उसको करते हैं। पहला दिन जो है स्टेप फर्स्ट जो है ये 1 से 3 दिन जो है, 1 से 3 दिन तक जो होती है उसका वो देखते हैं, बुखार और गले में दर्द, बुखार फर्स्ट हो गया ये बुखार, और सेकंड हो गया गले में दर्द और गले में दर्द, और ये 1 से 3 दिन तक। और दूसरा पॉइंट हो गया ये चौथे दिन, देखिए चौथा दिन 1 से 3 दिन का ये है, और 4थे दिन जो है, चौथा दिन, फोर्थ डे जो है, फोर्थ डे इसका एक पॉइंट है बुखार, सेकेंड सिर में दर्द, सिर दर्द, दस्त, थर्ड नंबर दस्त, चौथा नंबर गले में दर्द, 5वां नंबर आवाज में भारीपन, और 5वें दिन के बाद आगे देखिए, ये तीसरा नंबर, 5वां दिन के आगे, 5वें दिन से, 5वें दिन में हो जाएगा थकान महसूस होना, फर्स्ट नंबर थकान महसूस होना, सेकेंड नंबर जो है मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, और 5वें दिन हो गया, और 6ठे दिन तक चलते हैं, 4 नंबर में है 6ठे दिन। छठे दिन इसका पॉइंट हो जाता है हल्का बुखार, सेकेंड गीली या सूखी खांसी, गीली या सूखी खांसी, गीली या सूखी खांसी, थर्ड जो है सांस में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और चौथा जो है द उल्टी, पांचवा दस्त, ये 6ठे दिन का है। और 7वां दिन का हम चलते हैं, 7वां दिन
सातवां दिन में जो है तेज बुखार हो जाएगा, सातवां दिन जो है इसका तेज बुखार। और सेकेंड जो है बलगम के साथ खांसी आना, बलगम के साथ खांसी आना आना। उसके बाद सेकेंड थर्ड नंबर शरीर में दर्द, शरीर में दर्द। चौथा नंबर उल्टी, पांचवा नंबर दस्त। और सातवां से आठवां दिन देखते हैं, सातवां सातवां के बाद आठवां और नौवां दिन देखते हैं क्या करता है ये। सिक्स नंबर हो गया, आठवां और नौवां दिन, आठवां नौवां दिन, ये देखिए इसका क्या है लक्षण। ये जो है लक्षण और बहतर जो है जिस इसका जो लक्षण है बहुत ही बढ़ जाती है, लक्षण और लक्षण में जो है बढ़ोतरी आ जाती है, लक्षण जो है बढ़ जाती है, लक्षण और बदतर यानी बढ़ जाती है पहला। और दूसरा जो है बुखार से अस्त व्यस्त हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। और थर्ड नंबर जो है सांस लेने में बहुत ही परेशानी होगी, सांस लेने में बहुत ही परेशानी होना। और ये जो दोस्तों ये लक्षण है दोस्तों, ये जैसे एक से तीसरा दिन के अंदर में आपको बुखार, गले में दर्द, बुखार यानी गले में दर्द या किसी प्रकार का आपको शंका हो, तो आप नॉर्मली घर में जो पानी आपको मिल रहा है, जैसे आपको जो पानी है आपको उसको गर्म कीजिए, उसमें नमक नमक डालिए, सुसुम पानी जो है आप उसको पी लीजिए, दो बार तीन बार जो है आप एक एक घंटा पे कर लीजिए, आपको ये अटैक होने खत्म हो जाएगा। अटैक हुआ और ये काम कर लीजिए, आपको खत्म हो जाएगी, ये जो है वायरस खत्म हो जाएगी गले से ही। और जो व्यक्ति को समझ में नहीं आती है तो उसको नज़दीकी जो है डॉक्टर से जो भी है उसे आपको कांटेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आगे जो है उसको हम बताते हैं, कोरोना वायरस की जाँच में उपयोग किए गए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो वो भी चलते हैं आगे की वीडियो में, वो भी देखते हैं। तो आप लोग बने रहे वीडियो पे। कोरोना वायरस की जांच में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? कोरोना वायरस की जांच, कोरोना वायरस की जांच में उपयोग किए गए या किए जाने वाले वाले उपकरण को थर्मल स्कैनर कहते हैं दोस्तों, थर्मल स्कैनर, थर्मल स्कैनर। कहते हैं सेकेंड में दोस्तों, जैसे आपको अगर पहला जैसे हम बताए हैं, जैसे गले में अगर बुखार है, गले में दर्द हो रहा है, तो डाइजीन टेबलेट भी उसमें हम ले जा सकते हैं, गले में जलन के लिए डाइजीन टेबलेट का भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर है अगर गले में जलन हो, गले में जलन के लिए डाइजीन, डाइजीन टैबलेट का भी हम यूज कर सकते हैं। और आगे देखते हैं जो कोरोना वायरस का कहाँ से ये चालू हुआ है और इसका क्या है। तो दोस्तों कोरोना वायरस जब होती है तो बेहोशी के लिए किस नोबेल गैस का उपयोग किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। बेहोशी के लिए किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? चलते हैं दोस्तों
देख ले। बेहोशी के लिए किस किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो है मैंने एडवांस में आंसर क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, जेनॉन, इसका उत्तर जो है जेनॉन, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं XENON। और चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड ही आज मैं बहुत क्वेश्चन आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पॉइंट दे के ही लिखते हैं, कोरोना वायरस को शुरुआत कहाँ से हुआ, पहले ये पॉइंट पे चलते हैं, कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुई, कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुई। फर्स्ट आंसर चीन के वुहान शहर से, बहुत लोग जानते हैं चीन से हुआ, चीन से हुआ, लेकिन कौन सा शहर, चीन के वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से। सेकंड है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, WHO द्वारा, एचओ द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, इसका आंसर है 2019 NCOV। आगे क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस का कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, आंसर है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को, किस अंग को प्रभावित करता है, आंसर है फेफड़े और श्वसन तंत्र को, फेफड़े और श्वसन तंत्र को। नेक्स्ट है, WHO द्वारा कोरोना, क्वेश्चन नेक्स्ट है, WHO द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या आधिकारिक नाम दिया गया है, WHO द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोरोना वायरस होने वाले बीमारी को बीमारी को क्या आधिकारिक नाम दिया गया है, क्या आधिकारिक
नाम दिया गया है, नाम दिया गया है इसको, आंसर है कोविड 219, कोविड 219। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया? आगे के पेज में देखते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने, किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया? गठन किया, जवाब है भारत, आंसर है भारत यानी इंडिया। नेक्स्ट है, किस देश ने श्वसन मास्क, कफ आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने, किस देश ने श्वसन मास्क, श्वसन मास्क, कपड़ों आदि आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, आंसर है भारत यानी कि इंडिया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस को वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक को किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है? आंसर है एस एस वासन, एस एस वासन यानी कि एस एस वासन। नेक्स्ट है, तो दोस्तों नेक्स्ट भी बहुत क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस वीडियो पे इस ही यही जगह आपको अंत करता हूँ और आगे की वीडियो में भी करने के लिए। तो दोस्तों पहले कुछ एक बार जो है और आपको बता दूँ, कोरोना वायरस से मैंने बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के साथ किया हूँ शेयर, तो आप लोग एक बार और जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, WHO द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों को क्या आधिकारिक नाम दिया।
और कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को टास्क फोर्स का गठन किया गया है, किस देश ने श्वसन मास्क, कफरोद आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस को वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में की तैयार की जा रही है। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, अंत में दिया हूँ, तो ताकि दोस्तों लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। एक बार और मैं आप लोगों के साथ रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग बन रहे वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल आप लोग समझिएगा। अगर समझ में नहीं आती आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करके दिखाइएगा। तो दोस्तों फर्स्ट जो है 1 से 3 दिन में जो है वो कोरोना वायरस का पहले लक्षण, मैंने हेडिंग दिया कोरोना वायरस का लक्षण, तो 1 से 3 दिन में जो बुखार, 1 से 3 दिन में इसका क्या लक्षण होगा, बुखार आ जाएगा, गले में दर्द आ जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया हूँ। थोड़ा भी आप लोग इस चीज़ का शंका आवे तो आप लोग गर्म पानी करके और नमक डाल के आप लोग 3 बार पी लीजिए, उसमें लगभग जो है दूर हो जाएगी, और तो आप लोग को वो दूर हो जाएगी वो ये वायरस है। तो फर्स्ट है 1 से 3 दिन में बुखार और गले में दर्द, जिसका मैंने बता दिया, और 4थे दिन से जो है बुखार, सिर में दर्द, अगर यहाँ तक आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 4थे दिन आगे बढ़ जाएगी बीमारी, बुखार, सिर में दर्द, दस्त, गले में दर्द और आवाज़ में भारीपन। अगर इतना पे आप लोग क्विक सर्विस में आप लोग नंबर पे कॉल कर लीजिए या नज़दीकी डॉक्टर पे आप लोग क्विक में वहाँ पे सर्विस दीजिए, और 4थे दिन तक तो ये होगी बुखार, सिर में दर्द, दस्त, गले में दर्द, आवाज़ में भारीपन। 5वें दिन से जो आ जाएगी थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, और 6ठे दिन से हो जाएगी हल्का बुखार, गीली या वो सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, उल्टी, दस्त। 7वां दिन से हो जाएगी तेज बुखार, बलगम के साथ खांसी आ जाएगी और शरीर में दर्द, उल्टी, दस्त। और 8वां से 9वां दिन में लक्षण में बहुत ही बढ़ोतरी हो जाएगी, बहुत ही काफ़ी टफ हो जाएगी, और बुखार से अस्त व्यस्त व्यक्ति हो जाएंगे, और सांस लेने में बहुत ही कठिनाई, यानी कि सांस ले ही नहीं सकते हैं लोग, बहुत ही टफ हो जाएगी बीमारी। और आगे की है जो कोरोना वायरस देख लेते हैं, कोरोना वायरस की जांच में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट में लगे रहें, अब और वीडियो को देखते रहें। कोरोना वायरस की जांच में उपयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम जो है थर्मल स्कैनर कहते हैं, जिसे जाँच करते हैं लोग, थर्मल स्कैनर से कोरोना वायरस का जाँच किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में जलन के लिए डाइजीन टेबलेट का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपको फर्स्ट दिन अगर बुखार और गले में दर्द बहुत हो रही है, अगर इतना पे अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रही है तो गले में दर्द के लिए, जलन के लिए डाइजीन टेबलेट का भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बेहोशी के लिए किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये एडवांस मैंने आप लोग को क्वेश्चन घुसा दिया हूँ, और मैंने ये कोरोना वायरस के रिलेटेड में एक डाल दिया हूँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जानना कोई बुरी बात नहीं है। तो बेहोशी के लिए किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है, ज़ेनॉन। और नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुई, तो चीन से, और वो भी वुहान शहर से हुई है। कोरोना वायरस का शुरुआत कहाँ से हुई, चीन से और वुहान शहर से। नेक्स्ट है, WHO द्वारा कोरोना वायरस का क्या नाम दिया गया, 2019 NCOV, 2019 NCOV। और नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े और श्वसन तंत्र को। WHO द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या आधिकारिक नाम दिया गया है, कोविड 2019, कोविड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो भारत ने। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो इंडिया यानी कि भारत। किस देश में श्वसन मास्क, कफर आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो भारत। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है, तो SS वासन, SS वासन। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, तो आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ, जो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोग के कमेंट से ही मेरा आगे वीडियो बनाने का टफ कुछ निकालूंगा। तो दोस्तों आज का उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो यही रहा, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हुआ वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।